दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे अजमान T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा PHT वर्सेस CHK के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर मैं आपको रिसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप चॉइस 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो चॉइस 11 ऐप आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। और अपना रजिस्टर करने के बाद दोस्तों, डाउनलोड और रजिस्टर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो सबसे पहले विकेट कीपर में दाऊद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट रन में 27 रन करे, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 6 रन करे, फिर 6 रन करे, 3 रन करे और 5 रन करे, तो लास्ट रन में परफॉर्मेंस करा था, लेकिन उससे पहले 4 मैचेस में फ्लॉप रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते क्योंकि T10 मैचेस है और इसमें ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वही चीमा के बारे में बात करें, आप ट्रम्प प्लेयर बोल सकते हो, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे प्लस ये विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो आपको कैचेस वगैरह पकड़ने का एडवांटेज भी दे देते हैं। लास्ट अगर मैं 4 मैचेस के बारे में बात करूं, दोस्तों लास्ट 4 मैचेस में इन्होंने कोई खास नहीं करा, मात्र और मात्र 38 रन करे, लेकिन इस मैच में मैं इनके ऊपर रिस्क लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं दोस्तों। वही इमरान के बारे में अगर मैं बात करूं, दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, वैसे नंबर 4 या नंबर 5 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रीसेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, 14 रन करें, उससे पहले अगर मैं बात करूं 38 रन करें, फिर 2 रन करें और 45 रन करें, और लास्ट अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 4 में बॉलिंग करी थी, सॉरी 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करी थी और 4 विकेट निकाले थे दोस्तों। तो अगर इनकी टीम देखिए पहले बैटिंग करेगी तो मैं इनको ज़रूर रखूँगा, वो अपडेट मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा, क्योंकि इनकी टीम अगर बैटिंग करेगी तो मैं रख लूँगा, नहीं करेगी तो हम ड्रॉप कर देंगे, तो वो अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल 2 हमारे यहाँ से विकेट कीपर रहने वाले। बैटिंग में अगर मैं बात करूं, हमजा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 आपको बैटिंग करेंगे, अच्छे बैट्समैन है, लास्ट मिनट में 35 रन करे, उससे पहले 31 रन करे थे, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। अब दोस्तों अफरीदी के बारे में बात करें, 85% इनका सिलेक्शन है, लेकिन यार इनका कोई अता पता नहीं है किस नंबर पर ये बैटिंग करते हुए आपको नजर आने वाले, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बैटिंग ऑर्डर आप कन्फर्म नहीं समझ सकते कि भाई ये बंदा जो है आपको इस नंबर पर बैटिंग करके देने वाला है। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो शायद आपको मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे भी नजर आ सकती है। वैसे रीसेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, 15 रन करे, 0 रन करे, 16 रन इन्होंने करे, 50 रन करे और 22 रन करे, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा इनको स्कीप ही करके चल रहा हूँ। एक खान के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 93% सेलेक्शन है,
बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पे रहने वाला है। रीसेंट में 31 रन करे, उससे पहले 6 रन करे इन्होंने, फिर 35 रन करे, 33 रन इन्होंने करे और 1 रन करे। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इनको जरूर आप ट्राई करके चल सकते हो, फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके पास अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, देखिए ए खान का आपके पास ऑप्शन है, अंसर खान ओपन करेंगे, लास्ट ओवर में 10 रन करे, उससे पहले 44 रन करे, उससे पहले 3 मैचेस में 0 पे आउट हो गए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बट मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि T10 में ओपनर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। और उस्मान खान एक हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, उस्मान खान इस चीज़ को ध्यान में रखना। लास्ट मिनट में 68 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 14 रन करे, फिर 12 रन करे और 10 रन करें, बट इनकी परफॉर्मेंस पे मत जाओ। हार्ड हिटर बैट्समैन है, चल गए तो वन साइडेड विन भी करवा सकते हैं, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। टोटल 3 मेरे यहाँ से जो है बैट्समैन रहने वाले। ऑलराउंडर के बारे में अगर मैं बात करूं, शहजाद का आपके पास ऑप्शन है। अब शहजाद के भाई बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर सबसे पहले बात करें, तो बैटिंग तो आपको मिडिल में करते हुए नज़र आ जाएंगे दोस्तों। और बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, लास्ट रन में 1 विकेट निकाला, उससे पहले 2 विकेट निकाले और उससे पहले 1 विकेट निकाला, तो बॉलिंग करवा देते हो विकेट निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं किसी और के बारे में बात करें, अर्शद का आपके पास ऑप्शन है। अर्शद के बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, बैटिंग तो आपको मिडिल में ही करते हुए नजर आने, और बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, तो देखिए बैटिंग बॉलिंग का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। मुर्शिद के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, मुर्शिद का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, तो देखिए बैटिंग ऑर्डर तो मिडिल में ही करते हुए आपको नजर आएंगे, और अगर मैं ऐसे बॉलिंग के बारे में, लास्ट मैच में 0 विकेट निकाले, उससे पहले 1 विकेट निकाले, पहले बॉलिंग करती है टीम तो रख सकते हो दोस्तों। उमर के बारे में अगर मैं बात करूं, उमर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि यह आपको एक हार्ड हिटर बैट्समैन के तौर पे आप देख सकते हो। हालांकि रीसेंट के 3 मैचेस के बारे में अगर मैं बैटिंग से बात करूं, तो कुछ ज़्यादा नहीं करे, मात्र 18 रन करे, लेकिन बॉलिंग से अगर मैं बात करूं, लास्ट 3 मैचेस में तो 4 विकेट निकाले, तो इसलिए आपके पास अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ। दोस्तों इस मैच के लिए आपके लिए अगर किसी ट्रंप प्लेयर के बारे में बात करूं, रफीक जमान, अगर ग्रैंडली खेल रहे हो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना, ओपन करेगा ये बंदा, प्लस बॉलिंग करता है, लास्ट मिनट में 20 रन करे, उससे पहले 1 रन करे, फिर 2 रन इन्होंने करे थे, 18 रन इन्होंने करे और 43 रन करे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 3 में बॉलिंग डाली, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन ग्रैंडली खेल रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूं दोस्तों, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी कोई खास ऑप्शन है नहीं, 3 मेरे अभी के लिए ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जैड मुनीर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। मुनीर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका, और क्या इनको हमें अपनी टीम में रखना चाहिए, या आप इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हो दोस्तों। रीसेंट के बारे में अगर मैं बात, लास्ट मिनट में 0 विकेट निकाले और लास्ट 5 मैचेस में 0 ही विकेट निकाले, तो परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, एम शाह के बारे में, लास्ट मैच में 0 विकेट इन्होंने भी निकाला था, और रीसेंट के मैचेस देखोगे इनका भी अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस। टी महमूद के बारे में बात करें, आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। तारिक महमूद लास्ट मिनट में 1 विकेट निकाले, उससे पहले 2 विकेट इन्होंने निकाला, फिर 3 विकेट निकाला दोस्तों, फिर 1 विकेट निकाले और फिर 2 विकेट, लगातार 5 मैचेस में विकेट निकालते हुए आए, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों। इस मैच के लिए जो आपके पास स्टंप प्लेयर होने वाले, असमतुल्ला होने वाले, लास्ट मैच में मत जाइए, 0 विकेट निकाले थे लेकिन लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने निकाले और ये बॉलर अच्छे, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। आयुल्ला के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्या आप इनको अपनी टीम में रखना चाहिए, ड्रॉप कर सकते। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 6 विकेट निकाले, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 3 मेरे यहाँ से अभी के लिए बॉलर रहने वाले। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें, जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और आपके लिए अच्छे ऑप्शन भी बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर जवान का आपके पास बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ, खान के साथ आप चल सकते हैं, एक और हार्ड हिटर बैट्समैन हो जाते हैं, और अगर यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो दाऊद, 3 आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, जमान मेरे कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप चॉइस 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो चॉइस 11 ऐप आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो
फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और चॉइस 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और नेक्स्ट टाइम एक्टिव रहिएगा।